हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस अब हमारा आज का टॉपिक है मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया कि फ्रेगमेंटेशन क्या है और कुछ उसके क्या रूल्स होते हैं हमारे फ्रेगमेंटेशन के रिगार्डिंग आज हम स्टडी करेंगे मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोलिकुलर आयन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मोड दो तरीके से हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है एक तो सिंपल क्लीवेज है और एक हमारे मतलब क्लीवेज के बाद रीअरेंजमेंट हो जाता है तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस एक्कनीड बाय ट्रांसफर ऑफ एटम्स मतलब एटम्स का उसमें ट्रांसफर होता है और रीअरेंज प्रोडक्ट बनती है तो एक तो सिंपल क्लीवेज है एक क्या है उस क्लीवेज के बाद जो रीअरेंज प्रोडक्ट बनती है तो सिंपल क्लीवेज में हमारे तीन आएंगे होमोलाइटिक क्लीवेज हिटेरोटिक क्लीवेज और रेट्रोडायल्डर रिएक्शन और जो रिय में है वो है स्क्रैम्बलिंग मैकलिफर्टे रीअरेंजमेंट और एलिमिनेशन अब जो हमारा फर्स्ट है होमोलाइटिक क्लीवेज इन होमोलाइटिक क्लीवेज फ्रेगमेंटेशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बोन्स बोन्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसे हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज तो जैसे कि हम इसमें फिगर में देख पा रहे हैं ये हमारा जो है मोलिक्यूल है आर सी एस टू सी एस टू आर इसमें हमारा क्या है ये इसमें हमारे क्या मिले ये होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो हमें क्या जो है अब इसने क्या किया कि आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हमारा तो ये क्या बना हमारा rcs2+ और ये ch2r तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या है जिसमें हमारा बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या है इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बोन्ड आर टेकन अवे बाय वन ऑफ द एटम्स हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है हमारा कि जो जब वो हमारे डिटेस्ड होते हैं तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों केवल एक ही डिटेस्ड एटम ले जाता है होमोलैटिक में क्या है कि दोनों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब वो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं लेकिन हेटारोलाइटिक्लीविज में क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कोई एक ही एटम ले जाता है द फ्रेगमेंट्स आर एन इवन इलेक्ट्रॉन केटाइन एंड रेडिकल विद द पॉजिटिव चार्ज रिसाइडिंग ऑन द एलकाइल ग्रुप अब जो फ्रेगमेंट्स हमें दो फ्रेगमेंट मिली उनमें से एक के पास तो क्या होगा एन इवन इलेक्ट्रॉन होगा वो तो और दूसरा क्या होगा होगा होगा। एक रेडिकल हो जिसके ऊपर हमारा हमारा पॉजिटिव चार्ज It is designated by a conventional arrow. ये मतलब कन्वेंशनल एरो इस तरह से जिस तरफ भी, भी ट्रांसफर होगा वो ये एरो यूज़ करेंगे। टू ट्रांसफर ऑफ साइट के डायरेक्शन में ये हमने लिया हुआ है. अब इसका हमारा क्या, पहले पढ़ा कि क्या बनेगा एंड इवन इलेक्ट्रॉन केटाइन ये बन गया एंड ए रेडिकल विद अ पॉजिटिव चार्ज रिसाइडिंग ऑन द एल्काइल ग्रुप अब ये हमारा एक तो क्या बन गया हमारा कैटाइन एक बन गया क्या रेडिकल और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर होगा हमारा अलकाइल ग्रुप के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज अब रेट्रोडायल्ड रिएक्शन क्या है

और हमें क्या मिलती हैं दो अनस्टेबल अनसेचुरेटेड फ्रेगमेंट्स मिलती हैं इन विच टू न्यू बोंड्स आर फॉर्म्ड जिनके अंदर दो नए बोंड बनते हैं दिस प्रोसेस इज नॉट ए बाय एनी हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट इसमें कोई हाइड्रोजन का हमारा ट्रांसफर नहीं होता द चार्ज कैन बी कैरिड बाय एनी वन ऑफ द फ्रेगमेंट अब जो चार्ज है वो कोई सी भी हमारी एक फ्रेगमेंट ले लेती है द मोर हाईली सब्सिट्यूटेड और मोर कॉन्जुगेटेड फ्रेगमेंट विच हैज़ अ लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल कैरीज ए चार्ज जनरली चार्ज किसके पास आता है जो हमारे हाईली सब्सटीट्यूटेड या मोर कॉन्जुगेट फ्रेगमेंट होती है उसी के पास हमारा चार्ज आता है इन सिंपल सिस्टम द चार्ज इज कैरिड बाय डाइन सिंपल सिस्टम में चार्ज जनरली किसके पाता पास आता है हमारा डाइन्स के तो ये हमने क्या पढ़ा क्या होता है राइट्रोडिस इसमें क्या होता है हमारे क्या हैं कि दो बोंड टूटते हैं हमारे आपके और क्या बनती है हमें दो अनस्टेब दो अनसेचुरेटेड अनस्टेबल फ्रेगमेंट मिलती हैं ये हमें दो अनसेचुरेटेड अनस्टेबल फ्रेगमेंट मिल गई और पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड फ्रेगमेंट होगी अब ये वाली हमारी जो फ्रेगमेंट है वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है इसलिए इसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज आया अब जो रियरेंज वाली है हमारी ये तो हमारे तीनों थे जो सिंपल क्लीवेज थी हमारी होमोलाइटिकटारोलाइटिक और रेट्रोडाइल्डर अब जो हमारी रीअरेंज वाली है उसमें फर्स्ट स्क्रम्बलिंग क्या है फ्रेगमेंटेशन गिविंग राइज टू स्टेबल कार्बोकेटाइन वो फ्रेगमेंटेशन जिससे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलते हैं इन सर्टेन केसेज फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस एट अ बोंड विच गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरली क्या होता है कुछ केसेज में फ्रेगमेंटेशन जो है इस तरह से होगा कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले फॉर एग्जाम्पल मोलिकुलर आयन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन अंडरगोस फ्रेगमेंटेशन एज द बेंजाइलिक बॉन्ड जब हमारा एल्काइल बेंजीन का हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो कहाँ से जनरली हमारा फ्रेगमेंटेशन होता है कहाँ से होता है बेंजाइलिक बॉन्ड से होता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ अ सेवन मेम्बर्ड साइक्लिक आयन नोन एज स्ट्रोपाइलियम आयन जो हमारा बेंजाइल केट हमें मिला वो अपने आप को रीअरेंज कर लेगा और क्या बना लेगा ये प्रोपाइलियम आयन अब जो दूसरा है मैक्लिफर्ट रिअरेंजमेंट कम्पाउंडस कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एट पोजिशन गामा टू द कार्बोनियल ग्रुप हैव बीन फाउंड टू अ रिलेटिव इनटेंसपी वो कम्पाउंडस जिनके अंदर जो है गामा पोजिशन पर हाइड्रोजन ऐटम होता है आपके मतलब का, जो कार्बोनियल ग्रुप से यदि हम देखें तो हमारा वो कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम एट गामा पोजिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से जो एकदम डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो अल्फा उससे अगला बीटा और उससे अगला गामा तो उस पर जो हमारा जो हाइड्रोजन एटम होता है ये यदि वहाँ हाइड्रोजन एटम है तो उन केस में ये हमारा टेरी अरेंजमेंट होता है और ये हमारा इसकी वजह से रिलेटिवली इंटेंस पीक मिलती है दिस इज़ प्रॉबेबली ड्यू टू रीअरेंजमेंट एंड फ्रेगमेंटेशन इज एक्म्पनिश बा मोलिक्यूल्स ये हमारा प्रोबेबिली किस वजह से होता है रीअरेंजमेंट होता है एंड फ्रेगमेंटेशन इज एक्म्पनिड बाय लॉस ऑफ न्यूट्रल मोलिक्यूल इसमें जो हमारा जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट होती है वो जनरली क्या होता है न्यूट्रल मोलिक्यूल्स होता है इसलिए और इस रिय अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैकलेफर्टे रीअरेंजमेंट सच रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मोलिक्यूल आयन मोलिकुलर आयन टू अनदर इस तरह के रीअरेंजमेंट जो क्या होता है ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन का एक पार्ट से हमारे जो है दूसरे पार्ट पे तो क्या होता है इसमें जनरली हमारी क्या है जो साइक्लिक सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है हमारी इसमें तो इस रीअरेंजमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये है क्या द रीअरेंजमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए चार्ज इनोल एंड ए न्यूट्रल ऑलिफेंस और मैकलोरिफर्टे रीअरेंजमेंट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो फ्रेगमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं एक तो हमारा चार्ज्ड इनोल मिलता है और न्यूट्रल ऑलिफेंस तो ये है था हमारा ये था मैक्रीफर्टे रीअरेंजमेंट इसका हमारा इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे अब जो थर्ड है वो है एलिमिनेशन फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें फ्रेगमेंटेशन के बाद हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल का हमारा एलिमिनेशन हुआ लॉस ऑफ स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल सच एज एच टू ओ सी ओ टू सी ओ सी टू एच फोर फ्रॉम मोलिकुलर आयन ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन के बाद यदि इस तरह के छोटे स्टेबल mole, मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है ये है हमारा एलिमिनेशन जैसे एन एलकोल रेडिली लूज एच टू ओ मोलिक्यूल्स एंड शोज अ पीक 18 मास यूनिट लेस देन द पीक ऑफ मॉलिकुलर आयन अब हमारा अल्कोहल क्या है जनरली क्या है वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और पीक देता है किस पे 18 मास यूनिट लेस देन द पीक ऑफ मॉलिक्यूलर आयन से 18 कम 18 कम क्यों चूंकि वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से निकल गया है तो जो है अब दूसरा फ्रेगमेंटेशन एडजेसेंट टू द ब्रांचिंग पॉइंट अब वहां पे फ्रेगमेंटेशन जहां मतलब ब्रांचिंग से मतलब ब्रांचिंग uh, वाली पोजीशन से एडजस्टेंट पोजीशन वहां पे यदि फ्रेगमेंटेशन हो इन केस ऑफ ब्रांच एल्केन के केस में बोन्ड फिजन टेक्स प्लेस एडजस्टेंट टू द ब्रांचिंग ब्रांचिंग पॉइंट पॉइंट के एडजस्टेंट पे ही हमारी क्या होगी क्लीवेज होगी हैंस दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इसकी वजह से क्या होगा हमारा वो हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा जैसे कि हमें एग्जाम्पल दे लें थ्री मिठाइल पेंटेन का तो इसमें क्या है हमारा क्लीवेज कहाँ से होगा ये तो हमारी चूँकि जो है यदि यह यहाँ से क्लीवेज हो तब भी बराबर है यहाँ से हो तब भी बराबर है तो हमारी क्या मिल जाएगा एक तो हमें ये फ्री रेडिकल मिल जाएगा और ये हमें एक कैटैन मिल जाएगा उन्होंने कहा कि बोन का फीजन होगा कहाँ से ब्रांचिंग पॉइंट से अब ब्रांचिंग पॉइंट या तो ये है हमारा या ये है तो इसलिए हमारा चूंकि दोनों इक्वेलेंट है तो हम कहीं से भी ले सकते हैं तो जो हमें इसकी जो फ्रेगमेंट मिलेंगी वो मिलेगी एक एम्बाइजेड जिसका मोलिकलॉम्स फिफ्टी सेवन और एक मिलेगी ट्वेंटी नाइन वाली तो ये था हमारा आज का टॉपिक मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन थैंक यू